मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत से लोग थे जो मेरे को पूछ रहे थे कि हमारे आया 260 नंबर, 280 नंबर, 300, 320 नंबर, क्या हम सीएससी अवेल नहीं कर पाएंगे बिटसेट से? ठीक है, अगर आपको बिटसेट में आपके इतने ही स्कोर है तो क्या आप बिट्स में सीएससी परस्यू कर पाओगे बीटेक में? हैड इट बीन एनी अदर इंस्टीट्यूशन आई वुड हैव स्ट्रेट अवे सेड ऑन द फेस अ बिग नो, बट ये बिट्स पिलानी है मेरे दोस्तों, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा में आपके पास ऐसा एक तुरुप का हिक्का है ना, जिसमें अगर आपके स्कोर 260 से लेकर 330 के बीच में है आप तो भी सीएससी अवेल कर सकते हो इन बीटेक। और भाई और बहनों क्या हालचाल, बहुत बहुत स्वागत इनको जब मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपने चैनल समझो। यार आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले उनकी जिनको बिट्स पिलानी या फिर बिट्स हैदराबाद या फिर बिट्स गोवा में सीएससी अवेल करना है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिनके बिटसेट 2019 में आए हैं 390 से लेके 486 के बीच में। क्यों 486 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 486 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर दैट यू कैन स्कोर इन बिटसेट। ठीक है, 486 कैसे आता है लोग सोच लेंगे, 150 प्लस 12 बोनस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनकी भी मार्क्स इस रेंज में आया है, तो सबसे पहले आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है बिट्स पिलानी में सीएससी इन बीटेक। ठीक है, तो बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो बिट्स पिलानी से बीटेक करें इन सीएससी, तो ऑलमोस्ट आपका कन्फर्म्ड अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है, 380 तक भी गिर सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन 390 से 486 इज प्रेटी कन्फर्म्ड फॉर यू एट सीएससी फॉर बिट्स पिलानी। ठीक है, अगर आप इस रेंज में हो तब खुश हो जाओ, क्योंकि अगर आपको इससे ऊपर का आईआईटी मिल रहा है बस सीएससी के लिए आप तब लो, वरना आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बिट्स पिलानी में सीएससी पहले से है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी जिनके आए हैं 350 से 390 से 400 के बीच में। ठीक है, 350 से 400 के बीच में क्यों बोल रहा हूँ, भले ही आपको बिट्स पिलानी ना मिले लेकिन आपको बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा में सीएससी फॉर श्योर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिट्स गोवा में भी सीएससी नहीं मिल रहा तो भी बिट्स हैदराबाद इज ऑलवेज देयर फॉर यू, तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आपका सपना हुआ कि आप सीएससी करें बिट्स से तो वो पूरा होने को आ रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत से लोग थे जो मेरे को पूछ रहे थे कि हमारे आया 260 नंबर, 280 नंबर, 300, 320 नंबर, क्या हम सीएससी अवेल नहीं कर पाएंगे बिटसेट से? ठीक है, अगर आपको बिटसेट में आपके इतने ही स्कोर है तो क्या आप बिट्स में सीएससी परस्यू कर पाओगे बीटेक में? हैड इट बीन एनी अदर इंस्टीट्यूशन आई वुड हैव स्ट्रेट अवे सेड ऑन द फेस अ बिग नो, बट ये बिट्स पिलानी है मेरे दोस्तों, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा में आपके पास ऐसा एक तुरुप का हिक्का है ना, जिसमें अगर आपके स्कोर 260 से लेकर 330 के बीच में है आप तो भी सीएससी अवेल कर सकते हो इन बीटेक। ये बहुत से कम लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का नाम है 5 ईयर एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर डुअल डिग्री प्लान। ठीक है, लोग इसको डुअल डिग्री बोलते हैं, क्यों अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके मार्क्स 340 से कम है तो आप फॉर श्योर बीटेक में तो एनरोल नहीं हो पाओगे सीएससी में। ठीक है, 340 या फिर 330 से कम है तब सीएससी में बीटेक में तो एनरोल नहीं हो पाओगे, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप ड्रॉप ले सकते हो, ड्रॉप लेके फिर भी आप बीटेक का ट्राई कर सकते हो पिलानी या फिर गोवा या फिर हैदराबाद में, बट उस चीज़ में रिस्क है। रिस्क क्यों मैं आपको बताता हूँ, रिस्क इसीलिए है क्योंकि आप जब ड्रॉप लेते हो ना लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपने ऑलरेडी 2 साल डाल चुका है यहाँ पे जेई के प्रिपरेशन में, बिटसेट के प्रिपरेशन में। ठीक है, माँ बाप आपसे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो वो जो एक्सपेक्टेशन है एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी, और अगर आप तब नहीं कर पाओगे ना क्योंकि जो आखिरी मोमेंट में आपका प्रेशर आएगा कि यार अब अगर फेल हो गए ना यहाँ से बहुत ज़्यादा एक ऐसी खाई है जहाँ से बहुत नीचे गिर सकते हो आप एकदम दलदल में फंस जाओगे उसके बाद, ये जब थिंकिंग आ जाती है ना आप ड्रॉप लेके जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो। उस प्रेशर से बचने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड दैट इज़ 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स और आपका है डुअल डिग्री प्लान। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके पर्क्स क्या, डिसएडवांटेजेस के सिर्फ एक है वो आखिरी में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं इसके पर्क्स क्या है। पर्क्स ये है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ रहा है। 5 ईयर इंटीग्रेट एमएससी प्लान क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उससे। ये 5 साल का कोर्स है, नॉर्मली जो बीटेक का कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है और आपको सिर्फ बीटेक की डिग्री मिलती है। इस 5 साल के कोर्स में आपको एक बीटेक की डिग्री मिल रही है और एक आपको एमएससी की डिग्री मिल रही है। ठीक है, अगर आप एनरोल होते हो तो आप एमएससी की डिग्री के नाम पे एनरोल होते हो। ठीक है, जैसे कि बिटसेट आपको 5 एमएससी कोर्सेज अवेल करने की मतलब मुहूर्त दे रहा है, 5 जो कोर्सेज है सबसे ज़्यादा मोस्ट डिजायरेबल है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और आखिरी में सबसे ज़्यादा लीस्ट डिजायरेबल एमएससी का डिग्री है जो बिटसेट में बिट्स में आपको अवेलेबल है, दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंसेस का जो कट ऑफ रहता है वो सबसे कम रहता है और इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑल व्हाट यू गॉट।
जो बीटेक की डिग्री अगर आप 5 ईयर कोर्स में एनरोल हो रहे हो, जो बीटेक की डिग्री आप अवेल कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द CGPA ऑफ योर फर्स्ट ईयर. ठीक है, आपकी जो CGPA बन रही है, जो CG बन रही है आपकी फर्स्ट ईयर में, उसके बेसिस पे आपको आपकी बीटेक की डिग्री क्योंकि आप कौन सा अवेल कर सकते हो आपको वो मिलता है. ठीक है, इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट अगर आप ओपनिंग रैंक हो आपके डुअल डिग्री को आपको CSE मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर आप क्लोजिंग रैंक आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, स्ट्रेट अवे इट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर फर्स्ट ईयर. अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक बहुत अच्छा CG बना लिया, बहुत अच्छा की CG की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने एक एवरेज लुकिंग CG बना लिया ना, आप आराम से CSE अवेल कर सकते हो. मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों. ठीक है, तो अगर आपका अगर आप पिलानी में आप कोई MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्लान अगर चूज करते हो, आपको CG चाहिए अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 8.2-8.3 के आसपास. अगर आपकी इतनी CG है, टू बी ऑन द सेफ साइड उसको 8.5 रख लेते हैं, अगर आपकी CG इतनी है तो आप फॉर श्योर अवेल कर सकते हो बीटेक इन CSE प्लस आपका जो MSc का कोर्स है, 5 साल का कोर्स में आप इन दोनों को अवेल कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली आपका ये प्लान है कि आपको अगर पिलानी से CSE करना है, अगर आपका स्कोर 330 से कम है तो आप वहाँ पे एडमिशन लो. बट आप ये दिमाग में रखो, ये एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक है, कि आपको एक साल बहुत ज़्यादा मेहनत करना है कि आपको अपने CG डूबने नहीं देना है. एवरेज CG है तो भी आपको CSE मिल जाएगा, बट एकदम CG डूबने नहीं देना है. बाय एवरेज CG आई मीन 8.5, एंड इट्स रियली ईजी टू गेट अ CG ऑफ 8.5 कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अगर आप रोज 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा पढ़ रहे हो JEE या फिर BITSAT की प्रिपरेशन में, तो आप रोज 4-4, 5-5, 6-6 घंटा पढ़ते हो. मैं तो आपको सिर्फ बोल रहा हूँ रोज 1-2 घंटा पढ़ना है बस, यानी कि आपको 3 गुना कम मेहनत करनी है अगर आप ड्रॉप ले रहे हो. और आपका ड्रॉप लेने का आपके पास प्रेशर भी नहीं रहेगा क्योंकि स्कोरिंग इन बिट्स इज क्वाइट ईजियर एंड प्रेशरलेस दैन कंपेयर टू अगर आप ड्रॉप लेके आपको JEE में स्कोर करना है या फिर BITSAT में स्कोर करना है. ठीक है, तो इस बात को आप समझो कि आपको अगर पिलानी से CSE करना है, आप 5 ईयर इंडिकेटर MSc प्लान में आप एनरोल करो, उसके बाद कोशिश करो कि एक साल आपकी CG इतनी रहे कि आप उसको जो BTech का कोर्स आपको जो अवेल करना है आप उसको CSE अवेल कर सको. सेम गोज फॉर बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स गोवा, बट द डिफरेंस इज दैट बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा में जो आपकी जो मार्किंग स्कीम रहती है CGPA की, वो बहुत ज़्यादा टफ रहती है एज कम्पेयर टू पिलानी. तो उसके लिए जो कट ऑफ रहता है वो गिर के थोड़ा और कम हो जाता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट पिलानी में इजी है, हैदराबाद और गोवा में टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑलमोस्ट तीनों में सेम है, बट जो कट ऑफ रहता है हैदराबाद का और गोवा का इसीलिए कम रहता है एज रिस्पेक्ट टू पिलानी, क्योंकि आपका पिलानी में जो ग्रेडिंग रहती है वो ईजी रहती है एज कम्पेयर टू हैदराबाद और गोवा. ठीक है, तो हैदराबाद में गोवा में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो था आपका 7.65, हैदराबाद में जो कट ऑफ था आपका वो था आपका 7.5. ठीक है, अगर आपने 7.65 इन गोवा या फिर 7.5 इन हैदराबाद ला लिया तो आपका जो बीटेक का डिग्री है वो CSE होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे पिलानी के, गोवा के और हैदराबाद के, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि आपको कहाँ पे एनरोल करना चाहिए ताकि आप उस वहाँ पे CSE अवेल कर सको बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर फर्स्ट ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर के CGPA के हिसाब से आपको मिलेगा. मैं एक बार पिलानी का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ इस साल का, जो कि आपका BITSAT का है, ताकि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कोर्स को अवेल कर सको. मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल साइंस का जो कट ऑफ रहेगा दैट विल बी अराउंड 270, केमिस्ट्री का 275, इकोनॉमिक्स का 315, मैथमेटिक्स का 302 और फिजिक्स का 295. ठीक है, आप इस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है ताकि आप अवेल कर सको बीटेक इन CSE ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट ईयर CGPA. ठीक है, बात हो गई पिलानी की, अब बात करते हैं गोवा की. ठीक है, गोवा में 5 ईयर इंटीग्रेट MSc आपको अवेल करने के लिए इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार का 292, मैथमेटिक्स का 277, फिजिक्स का 275, केमिस्ट्री का 255 और बायोलॉजिकल साइंसेज का 252. ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद की. हैदराबाद में इकोनॉमिक्स का रहेगा अराउंड 290, मैथमेटिक्स 275, फिजिक्स 275, केमिस्ट्री 265 और बायोलॉजिकल साइंसेस 260. तो अगर आप मैं बात कर ले रहा हूँ जो मिनिमम क्या है, मिनिमम में आप क्या 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc उठा सकते हो. सो द मिनिमम हैज़ टू बी 260 फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज इन बिट्स हैदराबाद. बिट्स की जो सबसे लोएस्ट
रैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी नहीं बोलूंगा, जो लोएस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन है बिट्स की, बिट्स हैदराबाद में जो सबसे लोएस्ट प्रेफर्ड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स है, दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेज। तो अगर आपके मार्क्स है 260 के आसपास, ठीक है, तो आप 260 में आराम से तो नहीं बोलूंगा, आप यू आर ऑन द एज एक्चुअली, ओके, यू आर लिविंग ऑन द एज। तो अगर आपको बायोलॉजिकल साइंसेज मिल गए बिट्स हैदराबाद, देन वेल एंड गुड। तो आप उसको अवेल करके आप यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट सो दैट यू कैन गेट बीटेक इन सीएसई फ्रॉम बिट्स हैदराबाद। तो जो 260 से लेके 320 वाले बच्चे हैं वो लोग आराम से अवेल कर सकते हैं दिस थिंग, सो दैट दे कैन परस्यू द ड्रीम ऑफ गेटिंग बीटेक इन सीएसई फ्रॉम इधर बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा या फिर बिट्स पिलानी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिशियल सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना हेल्प किया, और KYC सीरीज के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।